good morning students welcome again in online class today we are going to continue same topic median but in, in continuous series previous video we just discussed median in individual series as well as discrete series so, as just example a continuous series the so, continuous series beta class interval given on the i have taken equal class interval 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 or escape is against वी हैव टेकन फ्रीक्ुएंसी एज गिवन अकॉर्डिंग टू सम फ्रीक्ुएंसी थ्री फोर टू सैवन टेन तो आज इस टॉपिक डिस्कस करा कि कॉन्टीन्यूसली मीडियम कि सोल्व कर सकते हैं बेटा तो वेरी फर्स्ट वी हैव डिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला मीडियम इज इक्ल टू साइज ऑफ एन बाय टू आइटम ये हमारा मीड मीडियम फॉर्मुला ओके मीडियम दे विचि एन नो एन इज नोन एज ए सिगमैफ ओके सिगमैफ और मीडियम के कॉन्टीन्यूस पार्ट के अंदर हमने हमें कॉन्टी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना सो हाउ वी कैन कैलकुलेट क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम दैट इज थ्री थ्री प्लस फोर दैट इज सेवन सेवन प्लस टू दैट इज नाइन नाइन प्लस सेवन दैट इज सिक्सटीन and 16 plus 10 that is 26 last value of cumulative frequency and total of frequency must be same okay jab jadon assi cumulative frequency nu solve karde ha assi frequency nu one by one add karde ha 3 plus 4 7 7 plus 2 9 9 plus 7 16 16 plus 10 that is 26 te aakhri value jehdi cumulative frequency di hai te frequency total same hona chahida ab Uh, according to formula then when we fill the values n is equal to 26 26 divided by 2 when we divide 26 by 2 we get the values 13 that is 13th item so 13 is item then where we see this where we will find our 13 according to rule hum, असी इस चीज़ को क्यूमुलेटिव फ्रीकुएसी भी चैक करा क्यूमुलेटिव फ्रीकुएसी के अंदर थर्टीन वैल्यू थर्टीन आइटम या इस या इस वाली आइटम चैक किया आता है तो नॉ तो लुक एट हियर थ्री सैवन नाइन दैट इज लैस दैन थर्टीन तो थर्टीन तो हमारे पास में है नहीं है वन थ्री वी हैव टेकन द वैल्यू सिक्सटीन तो सिक्सटीन किस फ्रंट वाली टोटल सीरीज दैट इज़ नोन एज ए मीडियम क्लास य पूरी की पूरी सीरीज दिस वन सीरीज इज नोन एज ए मीडियम क्लास इज मीडियम क्लास ना वी गेट मीडियम क्लास आफ्टर दैट वी अप्लाई द फॉर्मूला फार्मूला इज मीडियम इज इक्वल टू एल वन प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू क्लास इंटरवल ना बेटा इस फॉर्मूला के अंदर Uh, we have written l1 plus n by 2 minus cf upon f into i so what is l1 l1 is a lower limit of median class what is cf cf is a class interval preceding of the median class frequency frequency is a frequency mean frequency of median class and i is known as a class interval इन्हें वैल्यूज नीडियम क्लास में चैक करते हैं कही कि वैल्यू एल वन है सी एफ है एफ ए सो वट इज़ एल वन एल वन एज वी हैव रिटन दिस इज लोन एज ए लोअर लिमिट एल वन इज लोअर लिमिट सो वी हैव टेकन दिस वन तो एल वन इज अकोर्डिंग टू सम दैट इज थर्टी वट इज़ इंटरवल दैट इज गैप बिटवीन थर्टी टू फोर्टी दैट वी गेट दैट इज़ ए टेन what is frequency frequency is frequency of middle of median class this is the median class is whole area is known as a median class to median class jadi frequency nazar aa rahi hai wo oh frequency asi lani hai the frequency that is 7 and cumulative frequency क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियम क्लास तो ऊपर वाली फ्रीकुएसी अंस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू रूल लें बिल्कुल जस्ट ऊपर वाली फ्रीकुएसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मनिए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे पास आ गई नाइन तो अकॉर्डिंग टू फार्मुला एल वन वी हैव आई वी हैव फ्रीकुएसी एंड क्यूमुलेट वी हैव टू जस्ट फील इन द फॉमुला सो वट इज द फॉर्मुला दिस द फॉर्मुला सो वट वी कैन राइट हिअर थर्टी प्लस वट इज़ एन बाय टू ट्वेंटी सिक्स अपॉइंट टू दैट इज ए थर्टीन सी एफ बेटा We will take that is nine. Then frequency is seven and class interval is ten. According to this, thirty plus four upon seven into ten. First we solve this one area. That is thirty plus forty upon seven. When we divide forty upon seven, we get thirty plus five point seven one. आंसर इज थर्टी टू फोर्टी बिटवीन थर्टी टू फोर्टी आंसर बारे इसके आंसर मीडियम क्लास के बिटवीन आना चाहिए नाउ चैक फाइनली वी गैट आंसर थर्टी फाइव पॉइंट सैवन वन जो असि सम करते हैं तो मीडियम क्लास आँदी है दैट इज थर्टी टू फोर्टी ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਦਾ ਆਨਸਰ 30 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ l1 n 2 cf l1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖੀ दैट इज अ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ cf ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਯੂਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਅਬਵ ਟਰਮ ਹੈ दैट ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਕਯੂਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੈਣੇ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਂਜ ਜੋ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 댓 ਇਜ਼ 35.71 ਇਹ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ 30 ਟੂ 40 ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗਾ ਕਿ ਆਨਸਰ 30 ਤੋਂ 40 ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ 35.7 ਇਕੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੀਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਮ ਨਿਕਾਲਸਨੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮ ਦੀ ਐਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਐਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸੇ 10 टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फोर्टी फोर्टी से थ्री पूरे इंटल्च जरा सीरीज है ये पूरी सीरीज इंटरवल का गैप सेम है फर्स्ट में जीरो टू टैन अगेन टैन अगेन गैप इज टैन अगेन गैप इज टैन अगेन गैप इट इज़ द सिंपलैस फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यू सीरीज नाउ लेट कॉन्टीन्यू सम अन अनादर पार्ट जिस इंक्लूसिव सीरीज एज वेल एज लैस दैन मोर दैन या अनइकअल केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम उन्होंने डिस्कस कर जाए नो नैक्सट केस इज केस ऑफ इनकलूसिव सीरीज ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹੇਅਰ देयर इज अ ਗੈਪ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਮੇ ਗੈਪ ਹੈ देयर इज अ ਗੈਪ ओके ਹਾਊ ਮਚ ਗੈਪ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਨ ਗੈਪ ਇਜ਼ ਵਨ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਗੈਪ ਇਜ਼ ਵਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0.5 ਇਹ 0.5 ਨੂੰ ਗੈਪ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 1 ਇਜ਼ ਵਾਟ 1 ਇਜ਼ ਗੈਪ ਗੈਪ ਬਟਵੀਨ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਆਫ ਫਰਸਟ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਊ ਥੈਟ ਇਜ਼ 59 ਫਰਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਹੈ ਐਂਡ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਅ ਲਿਮਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ 50 60 70 80 9 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਅਡੀ .5 ਐ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਚਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਨੇ ਆ ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਵਨ ਵੈਨ ਵੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ .5 ਫ੍ਰੋਮ 50 60 70 ਵਾਟ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਵੀ ਗੈਟ 49.5 ਟੂ 59.5 एक पास सी माइनस करना लोअर तो माइनस करना अपर च एड करना वीगर सच ए सीरीज दैन फिफ्टी नाइन टू बेटा एटी नाइन पॉइंट फाइव एटी नाइन पॉइंट फाइव टू नाइन नाइन पॉइंट फाइव नाउ चेक द इंटरव गैप इंटरवर क्लास इंटरवल का आप गैप चेक करके देखो देर इज नो गैप सीरीज बैलेंस होगी जिसमें सारी सीरीज बैलेंस होती है कोई वैल्यू मिसिंग नहीं होती लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम सीरीज में चलती हैं फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट बनती है कोई भी गैप नहीं था उसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस वन रूल हमने इंक्लूसिव दिस वन इज इंक्लूसिव सीरीज हमने इंक्लूसिव सीरीज को बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज टर्न करता है चेंज करता है कन्वर्ट करता है नाउ सम इज क्वाइट सिंपल एज इट जस्ट ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਮ ਕੀਤਾ ਸਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ बाकी सम का प्रोसीजर सेम रहेगा जिमें सिपलस्ट मैथड कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का ना आई हैव टेकन सीरीज इन प्रोपर फॉर्म समल्व कर लिया साढ़े को सी फॉर्मट रेडी हो गया उसी फॉर्मन असी एक शेप देती एक्स ना फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव टू फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव फिफ्टी नाइन पॉइंट टू सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव एंड फ्रीकुएंसी इज देअर सम सेम तरीके सब तो पहला अं की निकालते क्यूमुलेटिव फ्रीकुएसी किमें कट दी फर्स्ट सेम दैन then add next one and get the next value that is 55 55 plus 50 105 105 plus 60 165 plus 14, plus 45 is equal to 210 then add up the frequency we get the 210 this is the start this is sum okay now formula is same formula uh, as we know median is equal to size of

fortunately is sum ke andar hamare paas 105 bhi nazar aa raha hai to humne median class ke andar 105 ko check karna hai to hamare paas ye wala series aage exact aagi je exact nahi aandi ta assi is to agli term lene ha je 104 105 di bajaye 106 honda ta assi 105 nu lena si to ede vich assi is cheer nu circle karta what is this this is a median class ye hamare paas median class aagi same method this is median class

अपॉन एफ इन टू आई दिस क्लास इंटर वट इज एल दैट इज सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव वट इज़ एन बाय टू वन जीरो फाइव वट इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी नेक्स्ट उससे ऊपर वाली ऊपर वाली प्रोसीडिंग वैल्यू है मीडियम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दैट इज अ फिफ्टी फाइव एंड फ्रिक्वेंसी इज इन द मीडियम क्लास दैट इज फिफ्टी क्लास इंटर पुत्र कि हो गया दैट इज ए टेन सॉल्व करिए दैट इज सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव वन जीरो फाइव में से फिफ्टी फाइव सब्ट्रैक्ट करते हैं वी गेट द वैल्यू दैट इज फिफ्टी फिफ्टी अपॉन फिफ्टी इंटू टेन दैट इज सिक्सटी नाइन पॉइंट सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव प्लस टेन एक्जैक्ट वेट आंसर आ गया दैट इज सेवेंटी नाइन पॉइंट फाइव सो अकॉर्डिंग टू मीडियम क्लास this one is median class 16.5 to 79.5 median class the answer kinna na chahida si inna dono de vich kar ya inna dono de ya 16.5 ana chaya ya 79.5 ana chaya ya inna dono de vich kar ana chaya in between acha so what we get we get answer is 79.5 so this is known as a way ट इनक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज और टेक्नीक इज सेम टू सोल्व द सम नैक्सम डिस्कस कर जा रहे दैट इजक्ल इंटरवल नो बेटा नैक्सट केस इज केस ऑफ अनइक्वल इंटरवल अनइक्वल इंटरवल चैक करो क्लास इंटरवल जीरोज थर्टी सिक्सटी टू एटी गैप इज ट्वेंटी एंड एटी टू नाइन दैट इज टेन गैप वक्रा वक्रा पाया जा रहा है एक बार टेन का दैन ट्वेंटी का दैन थर्टी का दैन ट्वेंटी का दैन टेन दैट इज द केस ऑफ अनकुअल क्लास इंटरवल सम द मैथड सम द मैथड उही रहना मै टनीक यही रहनी है सिर्फ अस क्लास इंटरवल का टाइम थोड़ा जा चेंज करना है ना रूल वन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी दैट इज ए फाइव फाइव प्लस फिफ्टीन दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव That is 45. 45 plus 8. That is 53. 53 plus 3. That is 56. And sum total of frequencies also 56. Frequency of total B. That is 56. Sum of us. Uh, beginning of the sum. That is median. Is equal to size of n by tooth item. What is n? That is a sigma f.

इट मस्ट बी ट्वेंटी एट और मोर दैन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट कितने नज़र नहीं आ रहा तो अं उस अगली टर्म फोर्टी फाइव सो दिस वन सीरीज इज नोन एज ई दिस वन इज मीडियम क्लास अकॉर्डिंग टू ऑल दिस इज मीडियम क्लास ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिस इज एल वन गैप बिटवीन दिस टू दैट इज क्लास इंटरवल दैट इज अ थर्टी ओके अब अव वैल्यू को देखो तो गैप इज ट्वेंटी बिलो वैल्यू को दो गैप इज अगेन ट्वेंटी बट वी हैव टेकन दिस मच हमने इस एरिया को लिया है तो थर्टी से सिक्सटी का गैप जितना भी होगा उसको हमने इसमें एज्यूम करना नॉन द गैप इज दैट इज द थर्टी नॉ फ्रीक्वेंसी इज दिस वन एंड क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी इज दिस वन अकॉर्डिंग टू रूल सो सेम मैथड टू सॉल्व द सम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू एल वन प्लस मीडियन इज इक्वल टू एल वन प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू आई ओके एल वन कि दैट इज ए सिक्स एन बाय टू कि आ गया दट इज ट्वेंटी एट सी एफ दैट इज ट्वेंटी फ्रिकुनसी अकॉर्डिंग टू सम दैट इज ए ट्वेंटी फाइव क्लास इंटरवल थर्टी माइनस सिक्सटी दैट इज ए थर्टी दिस इज ए चेंज इन समझ ए चेंज हैगा बाकी सम का प्रोसीजर सेम ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਲ ਅਸੀਂ 10 ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਵਿੱਚ ਗੈਪ 10 ਚੱਲੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 10 ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ 30 ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ 30 ਇਜ਼ ਹਰ ਅਬ ਅੱਗੇ ਸਮ ਦਾ ਰੂਲ ਸੇਮ 30 ਪਲੱਸ 댓 ਇਜ਼ 8 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 25 ਇੰਟੂ 30 ਤਾਂ 30 ਪਲੱਸ टू फोर्टी डिवाइड बाय ट्वेंटी फाइव वेन बी डिवाइड दीज टू वैल्यूज वी गेट थर्टी प्लस नाइन पॉइंट सिक्स इट्स थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स मीडियम वैल्यू बेटा कि आई स मीडियम वैल्यू आई सी थर्टी टू सिक्सटी आंसर कि आना चाहिए इन्होंने बिटवीन सो दिस इज बिटवीन दिस टू एना दोनों में बिटवीन आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मीडियम क्लास एग्जैक्ट वैल्यू कि आ गई दैट इज़ थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स सो थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स इज ए मीडियम तीन सीरीज असी डिसकस की ਇਨੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਿੰਪਲਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਟੈਕਨਿਕ ਸੇਮ ਸੀ ਥਰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਆਫ ਅਨ ਇਕੁਅਲ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਥਡ ਸੇਮ ਸੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ L1 ਐਂਡ ਟੂ N 2 CF ਐਫ ਔਰ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਬਸ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ अं आई द इंटरवल फॉर्में डिस्कस करने अदरवाइज सम का टेक्नोलॉजी मैथड एवरीथिंग इज सेम अगली वीडियो भीडियो डिस्कस करा मीडियम की लोकेशन ग्राफिकली मीडियम अं कि लोकेट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट टूडेज़ वीडियो।